CIA-1 की टीम ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जिसने बीते दो दिन पहले आजाद नगर के लांबा और ओब्राई करियाना स्टोर के मालिकों से 10 और 5 लाख रुपए फिरौती के लिए धमकी भरी कॉल की थी। नमस्कार साथियों, जिला यमुनानगर से बड़ी खबर यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। जी हां, रोजाना जिला यमुनानगर में जितनी भी जरूरी अपडेट होती है यमुनानगर सिटी न्यूज चैनल के माध्यम से घर बैठे आप लोगों तक पहुंचाई जाती है। और आज ऐसी ही एक बड़ी खबर को लेकर हम पहुंच चुके हैं CIA-1 में। बीते दो दिन पहले आजाद नगर के लांबा करियाना स्टोर और अब्राय करियाना स्टोर के दोनों के मालिकों को 10 लाख और 5 लाख रुपए फिरौती के लिए धमकी भरी कॉल आती है। और आपको बताना चाहेंगे कि आज उस केस में CIA-1 की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। जी हां, आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों के हौसले देखिए किस कदर बुलंद है। अंजाम अच्छी तरह से जानते हैं कि आज नहीं तो कल पुलिस की गिरफ्त में होंगे, लेकिन लगातार इस तरह के अपराध को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। आप इस अपराधी की तस्वीर गौर से देख सकते हैं, चेहरा हम आप लोगों को नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन 26 साल की इसकी उम्र है, जिसका नाम किशन है और जो आजाद नगर का रहने वाला है। देखने में तो इतना दुबला पतला लग रहा है, लगता ही नहीं है इसको देखकर कि ये मालिकों को इस तरह से 10 और 5 लाख रुपए फिरौती के लिए धमकी भरी कॉल कर सकता है। और सबसे बड़ी बात देखिए इस अपराधी की, जब इसने धमकी के लिए कॉल की, फिरौती के लिए कॉल की, तो उसके बाद इसने साफ साफ उन्हें मालिकों को यह बोला था कि अगर आप मेरे को पैसे नहीं देंगे तो मैं आपके पूरे परिवार को, पूरे परिवार के जितने भी पारिवारिक सदस्य है, यहां तक कि बच्चों को भी जान से मार दूंगा। जिला यमुनानगर में CIA-1 की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। टीम गठित की गई थी, सूचना मिली थी और आप देख सकते हैं किस तरह से अपराधी की बीती रात जो है गिरफ्तारी हो चुकी है और आज इसे कहीं ना कहीं कोर्ट में पेश किया जाएगा। और लगातार CIA-1 की टीम की ओर से पूछताछ जारी है, कार्यवाही जारी है, ताकि पता लग सके कि इसमें इस किशन के साथ और कौन कौन से इसके साथी शामिल है जो लगातार इस तरह के अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं। आजाद नगर का ही रहने वाला है ये किशन, 26 साल की इसकी उम्र है और यही वो आरोपी है जिसने बीते दो दिन पहले आजाद नगर के लांबा करियाना स्टोर और अब्राय करियाना स्टोर के मालिकों को 10 लाख और 5 लाख रुपए के लिए धमकी भरी कॉल की थी। जी हां, जान से मारने तक की धमकी दी थी, लेकिन कहीं ना कहीं जो दुकानदार थे, जी हां मालिक जो थे दुकानों के, वो बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे थे, क्योंकि ऐसी कॉल को हम लोग लापरवाही में भी नहीं ले सकते हैं। कल को ऐसे लोगों का क्या भरोसा, किसी के साथ कोई अनहोनी भी कर दे, क्या पता। तो आप देख सकते हैं CIA-1 की टीम ने बड़ी सफलता के तहत इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है जिला यमुनानगर में। आज अगर हम CIA-1 की बात करें, CIA-2 की बात करें, चाहे ANC डिपार्टमेंट की बात करें, हर कोई मुलाजम जो है लगातार अपने कर्तव्यों को बखूबी से निभा रहे हैं। और खासकर अगर हम पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा जी की बात करें तो उनके दिशा निर्देशानुसार जिला यमुनानगर में लगातार अपराध को कम करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए लगातार एक से एक मुहिम चलाई जा रही है। और आप सभी से अपील करेंगे आगे बढ़कर इस मुहिम में अपना सहयोग दें, ताकि समाज में आज हरियाणा में ये जो नशा और ये जो अपराध चरम सीमा पर पहुंच चुका है, आने वाले समय में इसे जड़ से खत्म किया जा सके और समाज में दोबारा से जागरूकता के साथ साथ खुशहाली लाई जा सके और जिला यमुनानगर एक बार फिर से शांति प्रिय इलाकों में गिना जाए। तो तमाम मामले की जानकारी के लिए जो CIA-1 के इंचार्ज हैं राकेश राणा जी, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तो अपील करते हैं इस खबर को शेयर करें और तमाम मामले की जानकारी के लिए चैनल पर हमारे साथ लाइव जुड़े रहें। रेडी सारे? हाँ सर, क्या मामला है, क्या कामयाबी हासिल हुई है, क्या कुछ बताएंगे? देखिए कि ये लड़का है कृष्ण कुमार का नाम का लड़का है, जो आजाद नगर का रहने वाला है, मुंडा माजरा का। तो इसकी किराने की दुकान है, वहीं पे ही इसके सामने दो और तीन और दुकानें किराने की दुकानें हैं। तो ये इसने अभी दो दिन पहले फिरौती मांगी थी उनसे 10 लाख रुपये और एक सुबह 1-5 लाख रुपये, तो उसमें हमने इसको गिरफ्तार किया। तो ये भी परचून की दुकान चलाता है? हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि इसकी भी वहाँ पर परचून की दुकान है और इसके सामने जो है उनकी भी परचून की दुकान है। तो ये उनसे जालसी रखता था और इसका काम थोड़ा कम चल रहा था, उसके उस नियत से इसने उनको फ़ोन किया और उनसे मांगी है। लगभग कितने पैसे मांगती है? पहले को उसने फ़ोन किया जिससे उसने 10 लाख रुपये मांगे हैं, फिर सुबह दूसरे को फ़ोन किया उससे 5 लाख रुपये उसने रोती मांगी है। पहले भी किस इस तरीके की बात? नहीं, पहले कोई ऐसा इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है और इसने ये अभी पहला ही था और उसने हमने 24 घंटे में इसको गिरफ्तार कर लिया। कृष्ण, ये कृष्ण कुमार नाम का लड़का है, इसके फादर हैं जगन्नाथ वासी, ये 309 नंबर मुंडा माजर का रहने वाला है, यमुनानगर का रहने वाला। नहीं, पहले कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं आया, पहली कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि इसने पहले ऐसा कभी किया हो, ये पहली बार ही किया है इसने। और ये इसके जो पड़ोसी किराने की दुकान जो कर रहे थे उनसे ये जालसी रखता था, उनका काम अच्छा चल रहा था और इसका काम इतना अच्छा नहीं चल रहा था,
जिस वजह से इसने उनसे ये तो किया। क्या लगता है अपराधी अकेला ही था या और भी साथी शामिल थे? नहीं, कोई और नहीं इसमें अभी सामने आया, बाकी अभी इनिशियल स्टेज पे है, इसको कल ही गिरफ्तार किया है, बाकी पूछताछ जारी। तो किन धाराओं के आधार पर मुकदमा तो ऑलरेडी दर्ज था इसमें 31 तारीख में 387-506 का ऑलरेडी मुकदमा सिटी उसमें जमुनगर में दर्ज है मुकदमा, तो वो तो ऑलरेडी पहले से दर्ज है। इस समय की तमाम तस्वीरें आपको CIA 1 से दिखाई हैं, आप देख सकते हैं कि बीती रात किस तरह से CIA 1 की टीम ने बड़ी कामयाबी के चलते और बड़ी कार्यवाही के चलते एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसने बीते 2 दिन पहले आजाद नगर के लांबा करियाना स्टोर और ओब्राई करियाना स्टोर के मालिकों को 10 और 5 लाख रुपए फिरौती के लिए धमकी भरा कॉल किया था और साफ साफ उस अपराधी का कहना था कि अगर अगले दिन 12 बजे तक पैसों का इंतजाम नहीं हुआ तो दोनों करियाना स्टोर के मालिकों के पूरे के पूरे पारिवारिक सदस्यों को जान से मार दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो मालिक थे दुकानों के वो इस समय टूट चुके थे क्योंकि कोई भी इस तरह से धमकी भरे कॉल को लाइटली या लापरवाही में नहीं लेगा, तो डर हर किसी के मन में बैठ चुका था कि कल को अगर पैसे नहीं दिए गए तो कुछ भी हो सकता है। तमाम मैं इस समय की तस्वीरें आपको CIA 1 से दिखा रही हूं, आप देख सकते हैं किस तरह से जिला यमुनानगर में CIA 1 की बात करें, चाहे हम CIA 2 की बात करें, चाहे हम ANC की बात करें, समाज से ही अपराध को और साथ ही साथ अपराधी गतिविधियों को दूर करने के प्रयास में दिन रात जुटे हैं जिनमें उन्हें सफलता भी मिल रही है। तो जिला यमुनानगर के CIA 1 से बड़ी खबर यमुनानगर सिटी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप सभी से अपील करेंगे इस खबर को शेयर करें। आगे के लिए आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा के दिशा निर्देशानुसार जो मुहिम चलाई जा रही है उस मुहिम में आगे बढ़ें और अपना सहयोग दें ताकि आने वाले समय में जिला यमुनानगर एक बार फिर से शांतिप्रिय इलाकों में गिना जाए। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ यमुनानगर से मनदीप कौर की रिपोर्ट।